आज के स्टूडियो के अंदर हम बात करेंगे टीएमजी डिसफंक्शन के बारे में। आपका जो जॉइंट होता है, जो मुंह का जोड़ होता है, इसके अंदर बाज़ औक़ात क्या होता है, हमें दर्द होना शुरू हो जाता है, हमारा जो मुंह है वो नहीं खुलता, उसके बाद हमें खुराक चबाने के अंदर मसला होता है, या क्लिकिंग जो साउंड होता है वो यहाँ पे प्रोड्यूस होना शुरू होता है, जो हमारे मुंह का जॉइंट है, ये वाला जो जोड़ है, हमारे जो मैंडिबल बोन है, जो नीचे वाला जो जबड़ा है और ऊपर वाला जो जबड़ा है, जो हमारा स्कल है पूरा, उसके दरमियान जो जोड़ बन रहा होता है, जॉइंट बन रहा होता है, उसे हम कहते हैं टीएमजी, टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। ठीक है, तो अब इस जॉइंट के अंदर क्या होता है कि आपकी जो पेन होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो उसको रिलीफ करने का तरीका क्या है, इस वीडियो के अंदर हम उसके ऊपर बात करेंगे। अब इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी कर लें और शेयर भी कर लें, और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी जरूर हिट कर लें, ताकि जो न्यू आने वाली वीडियोस हैं वो आपको आसानी से मिलती रहें। और साथ में जो मैं अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप लोग हमें वहां पे भी फॉलो और लाइक कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, पहले मेडिसिन लेनी है, मेडिकेशन लेनी है, उसके ऊपर बात करेंगे जो नेक्स्ट वीडियो की, उसके अंदर हम बात करेंगे फिजिकल थेरेपी के थ्रू, या जो है आप जो है घर के अंदर एक्सरसाइजेस के थ्रू या मसाज के थ्रू आप लोग जो है घर के अंदर कैसे जो है टीएमजी को रिलीव कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम मेडिसिन के ऊपर बात करेंगे, तो मेडिसिन के अंदर आप लोग जो है सबसे पहले मसल रिलैक्सेंट लेंगे। हमारे मसल जो होते हैं वो पेन की वजह से या फिर जो है किसी और वजह से, या आप लोग जो है अगर बार बार जो है अपनी जो टीथ हैं उनको जो है जोर जोर से ग्राइंड करते हैं, तो उसी वजह से क्या होता है कि आपके जो मसल हैं वो जो है बहुत ज़्यादा स्पैज में आ जाते हैं, या किसी और वजह से आपको जो है जॉ के अंदर पेन है, या जो है आपकी जो स्ट्रेस है वो बहुत ज़्यादा है, इसकी जो कॉज होती है स्ट्रेस होती है, तो स्ट्रेस अगर आप बहुत ज़्यादा ले रहे हैं तो उसी वजह से, या जो है आपको हेडेक है, या जो है आपके आपको गम्स का मसला है, तो उसी वजह से जो पेन है उसकी वजह से भी आपके जो मसल हैं, आपका जो ये वाला मसल है जिसे हम कहते हैं मैसेटर मसल, और आपका जो ये जो फैन शेप यहाँ पे जो मसल होता है उसे हम कहते हैं टेम्पोरैलिस मसल, आपका टेम्पोरैलिस मसल और जो आपका मैसेटर मसल है ये स्पैज में आ जाता है, तो आप लोगों ने इसका स्पैज में रिलीफ करवाना है, तो स्पैज में रिलीफ करवाएंगे तो आपको जो है मूवमेंट के अंदर जो आपकी मूवमेंट जो रुक गई है, आपके जो मुंह जो है वो खुल नहीं रहा, तो वो खुलने लग जाएगा। अब यहाँ पे स्पैज को खत्म करने के लिए आप जो गोली लेंगे वो आप टेबलेट मूवेक्स लेंगे 2 मिलीग्राम की, टाइजेनिडिन जो इसका फॉर्मूला है, तो आप लोग ये लेंगे सुबह शाम जो है 3 दिन के लिए या 4 दिन के लिए, उसके बाद जो है इसको छोड़ देंगे। दूसरे नंबर पर आप लोग जो है पेन किलर लेंगे, पेन जो होता है उसको रिलीफ करने के लिए पेन किलर लेंगे, पेन किलर के अंदर हम जो है एसिटामिनोफिन ले सकते हैं, टैबलेट एसिटामिनोफिन जो है सुबह शाम 500 मिलीग्राम ले सकते हैं। एसिटामिनोफिन क्या होती है कि ये अगर आपको सूजन नहीं है, इन्फ्लेमेशन नहीं है, वहां पे जो है आपको रेडनेस नहीं है, जो आपकी जगह है वो सूजी नहीं है, या आपकी जो ज्वाइंट है वो ठीक है, तो आप लोग जो है एसिटामिनोफिन लेंगे टैबलेट 2 टाइम। अगर आपको वहाँ पे सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, बहुत ज़्यादा जो पेन हो रहा है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आप लोग जो है एनसेड की तरफ जा सकते हैं, डिक्लोरान ले सकते हैं 500 मिलीग्राम की डिक्लोरान ले सकते हैं सुबह शाम, अगर आपको जो सूजन है वो है, या आपको जो पेन है वो ज़्यादा थोड़ा, अगर आपका पेन जो है वो अनबेरेबल है, आपको जो पेन है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, शदीद हो रहा है और आपसे सोया नहीं जा रहा, आपसे जो है बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो आप लोग जो है टैबलेट टोनोफ्लेक्स लेंगे सुबह शाम 2 टाइम। ये ओपियोइड्स होती हैं, ये जो है स्ट्रॉन्ग पेन किलर होती हैं, आपका जो पेन होगा वो रिलीफ हो जाएगा इंस्टेंटली, तो आप लोग जो है 2 गोलियां जो है लेंगे दिन के अंदर, एक जो है आप मसल रिलैक्सेंट जिसके ऊपर हमने पहले बात की है, और उसके बाद आप जो है पेन किलर लेंगे कोई भी, डिक्लोरान ले सकते हैं, दूसरे नंबर पे आप टोनोफ्लेक्स ले सकते हैं, तीसरे नंबर पे आप जो है एसिटामिनोफिन ले सकते हैं, इनमें से कोई एक लेंगे, और जो उसके बाद मैंने आपको मूवेक्स बताई है तो आप वो लेंगे, और उसके साथ साथ जो है आप यहाँ पे हीटिंग भी यूज करेंगे और जो है आइसिंग भी यूज करेंगे। आइसिंग आप लोगों ने जो ज्वाइंट वाली जगह, जोड़ वाली जगह है वहां पे यूज करनी है, और आपने जो हीटिंग है, जो आपने जो है गर्म जो एप्लीकेशन करनी है, वो आपने मसल के ऊपर, ऊपर वाला जो मसल है वहां पे, और यहाँ पे जो है उसका जो स्पैज्म है वो खत्म करने के लिए आप लोगों ने जो ये वाला मसल है और ये वाला मसल है यहाँ पे जो है हीटिंग यूज करनी है। हीटिंग और आइसिंग के लिए जो है सिंपली आप लोग जो है
आइस क्यूब्स ले सकते हैं, उसको जो है कपड़े के अंदर रैप करें, या जो है हीटिंग के लिए आप क्या ले सकते हैं कि गर्म पानी ले सकते हैं, टैप वाटर जो है उसको गर्म कर लें और उसको बोतल में डालें और उसको रैप कर लें, वो अप्लाई करें। ये थी हमारी आज की वीडियो, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि आप लोग जो है एक्सरसाइज कौन सी करेंगे जिससे जो है आपका परमानेंट जो आपका मसला है वो ठीक हो जाएगा, आपको बार बार जो है TMG का पेन जो है वो नहीं होगा और आपकी जो स्टिफनेस है वो खत्म हो जाएगी हमेशा के लिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।